करते हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अलवर में खुलेआम एक बीफ मंडी चलाई जा रही है, जिसका खुलासा होते ही हड़कंप मच गया, जिसको लेकर के चार जिलों की पुलिस भी अब एक्टिव हो चुकी है। इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई तेज कर दी गई है। राजस्थान में खुलेआम बीफ मंडी सुनकर देखकर हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। पहले इस एक्शन को देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है, बुलडोजर तैयार है, हंगामा हो रहा है। इसी बीच तस्वीरों में आपको गोवंश नजर आ रहे होंगे। पुलिस ने इन गोवंशों को रेस्क्यू किया है। राजस्थान के अलवर जिले के पास बीहड़ों में खुलेआम बीफ मंडी चल रही है। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। खुलेआम गोकशी के सबूत मिलने पर आईजी ने कार्रवाई की। इस इलाके में गायों को बीफ के लिए मौत के घाट उतारने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इस कार्रवाई में पुलिस ने दो गोवंश को बचाया। मंडी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें चादर पर गाय का मांस सजाए बैठे बेचने वाले और खरीदार देखे गए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई तो सामने आया कि मंडी अलवर से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों में लगाई जा रही थी। चादर पर गोमांस बेचने और खरीदने के वीडियोस वायरल हुए थे। गोमांस के लिए कोडवर्ड सफेदा और सब्जी कोडवर्ड बनाए, व्हाट्सएप के जरिए नेटवर्क बनाकर मंडी की जानकारी फैलाई। मंडी में बिना नंबर वाली मोटरसाइकिल को ही सिर्फ एंट्री थी। मंडी में किसी भी अनजान व्यक्ति और गाड़ी की एंट्री पर रोक थी। मामला सामने आते ही जयपुर रेंज के आईजी ने किशनगढ़ बास थाने के एसएचओ समेत 38 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया और फिर बुलडोजर एक्शन लिया गया। बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुलजिमान द्वारा। बिजली विभाग द्वारा, आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन दिए गए हैं, बोरिंग हुई है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है, और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया गया, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, उन पे भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक चौकी यहाँ बनी हुई थी, वो किन्हीं कारणों से बंद है। अभी डिप्टी साहब मेरे साथ मौके पर हैं, मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से उस चौकी को शुरू करवाएं और उसमें कोई योग्य अधिकारी लगाएं, और आवश्यकता पड़ी तो यहां पर और पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। और बुलडोजर कार्रवाई कर पुलिस अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटा रही है, इलाका खाली करा रही है। अलवर, किशनगढ़, खैरतल और भिवाड़ी चारों जिलों की पुलिस दोषियों की धरपकड़ में जुटी है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ड्रोन, डॉग स्क्वाड और FSL टीम की मदद से सर्च अभियान चला रही है।